सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। OMG2 थिएटर में आई नहीं है कि खबरें ये सुनाई दे रही हैं कि ये फिल्म बैन हो सकती है। अब भला क्यों, इस फिल्म को बैन क्यों किया जा रहा है? दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म का जो टॉपिक है वो काफी सेंसिटिव है। जी हाँ, ये फिल्म शायद सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड होने वाली है, तो ऐसे में ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है और इसी के साथ साथ इसके साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, तो ऐसे में सेंसर बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, खासकर आदि पुरुष मूवी के बाद, जिसके बाद सेंसर बोर्ड की काफी थूथू भी हुई थी। बताया जा रहा है कि पहली बार ये फिल्म जब सेंसर बोर्ड को दिखाई गई, तो सेंसर बोर्ड को ऐसे कई सीन से आपत्ति थी, जिस वजह से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया। सिनेमा हॉल में जब ये टीजर दिखाया गया तो टीजर के साथ डिस्क्लेमर भी दिखाया गया, जिस वजह से मेकर्स ने इसे दोबारा सेंसर बोर्ड के पास रिव्यू के लिए भेज दिया है। अब फिल्म में प्रॉब्लम है या फिर फिल्म की हाइप बनाने के लिए सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब तक जिन फिल्मों पर भी कंट्रोवर्सी हुई है, खासकर धर्म को लेकर, उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। चाहे हम बात कर लें पीके फिल्म की, पठान फिल्म की या फिर OMG1 की, इन फिल्मों पर तमाम सवाल उठे थे, लेकिन जब ये फिल्में सिनेमाघरों में आई तब इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ऐसे में कंट्रोवर्सी फिल्म को कितना सक्सेस दिलाती है कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या फिर ये फिल्म ही बैन हो जाएगी। भैया कुछ भी हो, अक्षय कुमार के करियर की ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। फिलहाल आप लोगों को OMG2 का कितनी बेसब्री से इंतजार है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।